Assalamualaikum. Welcome to Codonics. 90 days English speaking course के day 13 में आज हम देखेंगे कि use of verbs in sentences किस तरीके से होता है. हम पहले भी ये verb का use जो है sentences में देख चुके हैं, लेकिन आज हम specific उन sentences को discuss करेंगे जिनमें जो subject जो होता है वो specific कोई भी काम को नहीं कर रहा होता, लेकिन उस सेंटेंस में वर्ब मौजूद होता है जिसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं. सिंपल सेंटेंसेस में किस तरीके से वर्ब का यूज होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, ये हम देखेंगे. इन जनरल आपको मैं बताता चलूं, यहां पे जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें वर्ब तो होता है लेकिन सब्जेक्ट जो है वो उस वर्ब के अकॉर्डिंग काम को करता हुआ नजर नहीं आता, या सब्जेक्ट जो है वो उस काम को नहीं करता, तो उस सेंटेंस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म को यूज करते हैं, उसके लिए ये आपने याद रखना है कि 90-95% जो हम वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे यूज की जाती है, हम कुछ सेंटेंसेस की एग्जांपल के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज देखेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम सिंपल सेंटेंसेस में रहते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म को वर्ब के होते हुए सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जो है उस काम को नहीं कर रहा किस तरीके से यूज करते हैं. सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, ये मसाले पिसे हुए हैं. अब यहां पे वर्ब जो है वो पिसा हुआ है लेकिन यहां पे सब्जेक्ट जो है वो काम नहीं कर रहा, तो अब यहां पे पिसा हुआ वर्ब है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो है ग्राइंड, और इसकी तीन फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो है ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड. अब यहां पर इस सेंटेंस की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो होगी These spices, ये मसाला जात, ये मसाले are ground, यहां पे जो ground है this is not the second form but third form of verb. These spices are ground, ये मसाले पिसे हुए हैं. नेक्स्ट है जी वो खिड़की टूटी हुई है. अब यहां पे भी अगर आप देखें तो यहां पे सब्जेक्ट जो है वो काम नहीं कर रहा लेकिन यहां पे वर्ब जो है मौजूद है. वर्ब कौन सा है, टूटा हुआ. अब टूटे हुए की इंग्लिश क्या है, ब्रेक, और उसकी तीन फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन. दैट विंडो इज ब्रोकन, दैट विंडो इज ब्रोकन, यहां पे ब्रोकन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है. मेरी किताब का एक सफा फट गया है, मेरी किताब ये सब्जेक्ट है लेकिन यहां पे ये काम नहीं कर रहा, फट गया है, वर्ब मौजूद है. फटने की इंग्लिश क्या है या फटे हुए की इंग्लिश है टियर. इसकी तीन फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं टियर, टोर एंड टॉर्न. A page of my book is torn. यहां पे torn जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. ये रस्सी बंधी हुई है, रस्सी ये सब्जेक्ट है. बंधना, किसी चीज का बंधा हुआ होना, ये आपके पास क्या होता है, वर्ब होता है. बंधे हुए की इंग्लिश है टाई. इसकी तीन फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं टाई, टाइड एंड टाइड. दिस रोप इज टाइड, यहां पे टाइड जो है वो थर्ड फॉर्म में यूज हो रहा है ना के सेकेंड फॉर्म. ये डंडा मुड़ा हुआ है, डंडा स्टिक, मुड़ा होना, सब्जेक्ट है ये डंडा लेकिन अब वो काम नहीं कर रहा, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा लेकिन यहां पे वर्ब जो है वो मुड़ा हुआ है. काम क्या है, मुड़ना. तो मुड़े हुए की इंग्लिश क्या होती है, बेंड होती है, और इसके तीन फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो है बेंड, बेंट, बेंट. दिस स्टिक इज बेंट, यहां पे बेंट जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. मैं इस चीज से डरा हुआ हूं, डरना, डरने की इंग्लिश होती है डरा हुआ की इंग्लिश जो है वो है स्केयर, स्केयर, स्केयर्ड, स्केयर्ड, ये इसकी थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स है. आई एम स्केयर्ड ऑफ दिस थिंग, आई एम स्केयर्ड, ये यहां पे थर्ड फॉर्म यूज हो रही है. मैं इस चीज से डरा हुआ हूं. वहां पर कुछ रखा हुआ है, रखना ये वर्ब है. रखने की इंग्लिश क्या हुआ, ये रखे हुए की इंग्लिश है कीप, कीप, कैप्ट, कैप्ट, ये थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं समथिंग इज कैप्ट देयर, ये भी एक सेंटेंस हो सकता है. इसके अलावा समथिंग इज कैप्ट ओवर देयर, जब भी आप सेंटेंस में देयर का यूज करेंगे किसी भी स्पेसिफिक प्लेस को आप जो है डिफाइन कर रहे होंगे या नॉमिनेट कर रहे होंगे तो वहां पे आप देयर से पहले ओवर लगा सकते हैं और ओवर के बगैर भी आप यूज कर सकते हैं. जैसे यहां पे मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, समथिंग इज केप्ट देयर एंड समथिंग इज केप्ट ओवर देयर. वो दीवार के पीछे छुपा हुआ है, वो कोई
सब्जेक्ट है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, लेकिन उसमें सेंटेंस में वर्ब के तौर पे छुपना जो है वो यूज हो रहा है, छुपा हुआ, इसकी इंग्लिश है हाइड। इसकी थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं हाइड, हिड, हिडन। अब यहां पे इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी ही इज हिडन बिहाइंड द वॉल, ही इज हिडन। हिडन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। काम आज रुका हुआ है, काम जो है ये सब्जेक्ट है, क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहां पे एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा यहां, लेकिन वर्ब जो है वो यहां पे मौजूद है जो कि है रुका हुआ। रुके हुए की इंग्लिश है स्टॉप और इसकी थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप। वर्क इज स्टॉप्ड टुडे, यहां पे स्टॉप जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और यहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे यूज हो रही है इस सेंटेंस में, ना के सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कपड़े कील पर टंगे हुए हैं, टंगे हुए या लटके हुए। अब यहां पे इसकी टंगे हुए की इंग्लिश है हैंग, हैंग, और इसकी जो थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो है हैंग, हंग, हंग। क्लॉथ्स आर हंग ऑन दी नेल, नेल बोलते हैं कील को। तो यहां पे सेंटेंस में हंग जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, ना के सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं बहुत थका हुआ हूं, थका हुआ वर्ब है और इसमें वर्ब की जो ट्रांसलेशन है वो है टायर। टायर की थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं टायर, टायर्ड, टायर्ड। और यहां पे जो सेंटेंस आएगा वो होगा आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड। ये कानून हम पर बिला वजह थोपा हुआ है, बिला वजह थोपा हुआ, थोपना किसी भी चीज का फोर्सली किसी पे इंपोज करना जो होता है, इसको हम बोलते हैं थोपा हुआ है, इंपोज, थोपा हुआ। इसकी जो थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो है इंपोज, इंपोज्ड, इंपोज्ड। दिस रूल इज इंपोज्ड ऑन अस विद नो रीजन, विद नो रीजन मींस बिला वजह। दिस रूल, ये कानून इज इंपोज्ड, थोपा हुआ है ऑन अस, हम पे, विद नो रीजन, बगैर किसी वजह के। तो यहां पे इंपोज जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। तुम्हारे खिलौने बिखरे हुए हैं, बिखरना, यहां पे वर्ब जो है वो बिखरना। बिखरे हुए की इंग्लिश क्या है स्कैटर, स्कैटर की थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो है स्कैटर, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड। योर टॉयज आर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड जो है यहां पे अगेन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ना के सेकंड। मेरी टांग सूजी हुई है, स्वेल, सूजना, किसी भी चीज का सूज जाना वो होता है स्वेल। इसकी तीन फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं स्वेल, स्वेल्ड, स्वेल्ड। माय लेग इज स्वेल्ड, स्वेल्ड, यहां पे अगेन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है, खोना, खोया हुआ, ये हमारे पास इस सेंटेंस में वर्ब है। खोना, खोने की इंग्लिश है लूज, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ये इसकी तीन फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। ही इज लॉस्ट इन हिज थॉट्स, वो अपने ख्यालों में खोया है। तो यहां पे लॉस्ट जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ना के सेकंड। ये तमाम मोबाइल बिके हुए हैं, बिकना, बिके होना, ये हमारा वर्ब है। इसकी बिकने की या बिके हुए की इंग्लिश क्या है सेल। इसकी तीन फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो है वो है सेल, सोल्ड, सोल्ड। दीज ऑल मोबाइल्स आर सोल्ड, ये तमाम मोबाइल्स बिके हुए हैं, सोल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये मेरी किताब में लिखा हुआ है, लिखा हुआ, लिखना, राइट। इसकी तीन फॉर्म ऑफ वर्ब्स है राइट, रोट, रिटन। This was written in my book. अब यहां पे written जो है वो थर्ड फॉर्म है, far right means ये past में है, तो past tense के लिए हम यहां पे कौन सा auxiliary verb use करते हैं was। दीवार के साथ कुछ चिपका हुआ है, किसी चीज का चिपकना, चिपका हुआ, चिपके हुए की इंग्लिश है stick। इसकी तीन फॉर्म ऑफ वर्ब है stick, stuck, stuck। Something is stuck on the wall, दीवार के साथ कुछ चिपका हुआ है। मैं ट्रैफिक में अटका हुआ हूं, यहां पे ट्रैफिक में अटकने की इंग्लिश भी स्टिक है, और यहां पे भी इसकी तीन फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो क्या होंगी स्टिक, स्टक, स्टक। आई एम स्टक इन ट्रैफिक। बच्चा फर्श पर लेटा हुआ है, लाए, लेटा हुआ, लाए, ले, लेन। द किड इज लेइंग ऑन द फ्लोर। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि यहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज हुई, तो इस सेंटेंस में हम ing के साथ ले लगा के लेइंग के तौर पे हम यहां पे वर्ब को यूज करते हैं। ये वो कुछ सेंटेंसेस की एग्जांपल्स थी जिनके अकॉर्डिंग हमने देखा है कि किस तरीके से सब्जेक्ट अगर जो है कोई काम को ना कर रहा हो, कोई एक्शन परफॉर्म ना कर रहा हो, तो लेकिन उस सेंटेंस में वर्ब मौजूद हो, तो उस सेंटेंस में हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए किस तरीके से
वर्ब की फॉर्म को यूज करके उस सब्जेक्ट के होते हुए लेकिन विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्शन वर्ब के साथ हम उस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं।